बांदा में हुई बारिश शीतलहर बढ़ी। बांदा जिले में हुई बारिश से बढ़ी गलत। शीतलहर बढ़ने से हाड़ कपाऊ ठंड ने जनजीवन पर डाला असर। शहर में हुई बारिश से गलन बढ़ी। ठंड से बचाव के लिए लोग आग जलाकर तपते हुए नजर आए। लोग रेनकोट और छाता पहनकर काम पर निकले। आज मंगलवार की सुबह से ही कोहरे की धुंध के बीच शुरू हुई बारिश। बारिश से बचाव के लिए लोग रेनकोट छाता लगाकर लोग काम पर निकले। हुई बारिश से जनजीवन रहा प्रभावित। बढ़ी ठंड और गलन से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से बचाव करते रहे। अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, इस मौसम में बचने की जरूरत है, अन्यथा कई शादी बीमारियों को दावत दे सकता है, जैसे दम श्वास के मरीज और छोटे बच्चों को ठंड लग सकती है। मैं चला कर सकता हूँ कि या घर पर रहे और जो बुजुर्ग हैं उनको जरूर आग तपवाएं। शिफाली चौरसिया ने बताया कि यहाँ दो दिन से बहुत सर्दी है, सुबह कोहरा भी पड़ा था, आज सुबह से बारिश हो रही है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से हम लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सभी लोग अपने घर में रहे, इसी वजह से सारे काम बाधित हो रहे हैं। भरोसा पूर्वा अंतरा के किसान रामपाल ने बताया कि यह बारिश का मिला जुला असर है, जिसमें कुछ पशुओं को नुकसान है तो कुछ को फायदा। जैसे गेहूं और चने की फसल को फायदा होगा, तो वही कोहरे की वजह से तिलहन और दलहन फसलों अरहर मसूर चना को नुकसान होगा। हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद की रिपोर्ट बांदा से।